नमस्कार, एक क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट से क्या मेरी ओरिजिनल डेंसिटी आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल डेंसिटी 90 से 100 ग्राफ्ट या 180 से 200 बाल पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। अपना टोटल बाल्ड या बाल्डिंग एरिया 300 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, उसके ऊपर 30,000 करीब जड़े होती है और डोनर सप्लाई हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10,000 ही होती है। तो आपकी नॉर्मल डेंसिटी मीन्स नॉर्मल डेंसिटी 90-100 ग्राफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर कभी भी अचीव नहीं हो सकती। सिंपल आंसर है कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो ओरिजिनल डेंसिटी 16, 17, 18 साल की उम्र पे थी और नॉर्मल से मेरा मतलब क्या हो गया, 90-100 ग्राफ या 180-200 हेयर पर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं हो सकती। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में आपकी डेंसिटी 25 से 30 ग्राफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर अच्छी होती है। ट्रांसप्लांट हेयर को थोड़ा लंबा रखना होता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट आपको कवरेज देता है, फेस की फ्रेमिंग देता है, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल डेंसिटी 16, 17, 18 साल पे थी वो कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डोनर हेयर फॉलिकल इतनी संख्या में नहीं होते हैं। पीछे से डोनर 6,000, 7,000 लिए जा सकते हैं, कुछ डोनर बियर्ड और चेस्ट से लिए जा सकते हैं, कुछ सर्जन है 10,000, 12,000, कुछ लोग 14,000 तक ग्राफ्ट लगा देते हैं, लेकिन फिर भी 30,000 ग्राफ्ट नहीं लगाए जा सकते। लेकिन जितने लगाए जाते हैं उतने भी इनफ है आपकी कॉस्मोटिक डेंसिटी के लिए, न्यूमेरिकल डेंसिटी के लिए नहीं, कॉस्मोटिक डेंसिटी के लिए, एंड यू लुक हैंडसम एंड ग्रेट। थैंक यू।